Hello learners, welcome to Dynamic Study. This is your paper code 55 series and unit 1 ka topic cover kar rahe hain hum, development of management thought. Jisme hum classical school of management thought padh rahe hain abhi. F.W. Taylor completely cover kar chuki hu and we are doing Henry Fayol now and iska bhi ek slide already I have covered in which we have discussed the 14 important principles of Henry Fayol. Wo aap dekh lijiye playlist mein jaake aur 15 मैक्सिमम वीडियो होती हैं जो कि वन मिनट ओके तो मैक्सिमम 15 मिनट्स की मेरी वीडियोस होती हैं जो आपको सब इम्पोर्टेंट ही जो चीजें हैं मैं पढ़ाती हूँ कंट्रीब्यूट करती हूँ अपनी साइड से सो यू पीपल प्लीज कीप लाइकिंग माय वीडियोस फॉर दिस एंड दिस इज द सिलेबस हेनरी फायोल या तो हेनरी फायोल का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पिछले स्लाइड में आई हैव टोल्ड यू दैट ही इज द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी इनकी बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और 14 प्रिंसिपल्स जो कि हमने प्रिसाइजली आराम से पढ़े थे डिस्क्राइब किए थे मैंने तो आपको बोला था कि सारे आप याद कर लेना ओके तो अब इसे कंटिन्यू करते हैं फायोल ऑल्सो डिवाइडेड द मैनेजमेंट फंक्शन इनटू 5 की रोल्स तो इन्होंने जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं उनको 5 की रोल्स में डिवाइड किया है तो वो क्या क्या हैं आपके वो हैं टू प्लान एंड टू फोरकास्ट जिसको हम प्लानिंग बोलते हैं टू ऑर्गेनाइज जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं टू कमांड जिसको हम कमांडिंग एंड लीडिंग बोलते हैं टू कोऑर्डिनेट जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं टू कंट्रोल जिसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ये आपको याद रखना है ये दिए थे फायोल ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अब ये सब ठीक है ये इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया अब कुछ ऐसे कुछ कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे जो कि फायोल को डायरेक्टली सपोर्ट करते थे उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा क्योंकि अभी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके पेपर के अंदर तो पहले आप देख लो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल हमने डिस्कस नहीं किया इससे क्वेश्चन बनता है तो एक होता है स्केलर चेन जो मैंने आपको नाइन्थ पॉइंट आप यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया था स्केलर चेन जिसमें कि क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है ओके तो क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटम मैनेजमेंट ये मैंने आपको बताया था तो आपको ना कंफ्यूज नहीं होना मैं इस चीज में बहुत कंफ्यूज होती थी स्केलर चेन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर तो आप प्लीज इसमें कंफ्यूज ना हो तो देखिए स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है ये देखेंगे अब स्केलर चेन हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज अ टर्म नाउ यूज्ड मोर कॉमनली इन बिजनेस मैनेजमेंट पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अ सुपरवाइजर हैव तो देखिए स्केलर चेन था एक क्लीन लाइन ऑफ अथॉरिटी मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमें पता है कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है कौन किसके ऊपर काम कर रहा है लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या है कि एक इंडिविजुअल एक सुपीरियर के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं मीन्स 5 पीपल तो उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो 5 लोगों का होगा 6 पीपल और 7 पीपल और होल डिपार्टमेंट एक जो HOD होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनके नीचे पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो हिज स्पैन ऑफ कंट्रोल इज होल डिपार्टमेंट तो जितने ज्यादा लोग एक इंडिविजुअल के नीचे काम कर रहे हैं उसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं और जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना बड़ा उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा इतनी ज्यादा पावर उनके हाथ में होगी तो इट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट अ सुपरवाइजर हैज तो ये आपको याद रखना है यू डोंट नॉट हैव टू लाइक कंफ्यूज लाइक मी मैं होती थी स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्केलर चेन में ओके पॉस्कोप क्या है पॉस्कोप में से क्वेश्चन बना हुआ है पॉस्कोप क्या है इज एन एक्रोनिम वाइडली यूज्ड इन अ फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट रिफ्लेक्ट द क्लासिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्लासिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी देता है हमें इट अपियर्ड मोस्ट प्रोमिनेंटली इन 1937 से ये ओरिजिनेटेड है पेपर बाय लूथर गुलिक और किसके कंट्रीब्यूशन से लूथर गुलिक जी ने दिया था तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है पॉस्कोप की फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे या फिर पॉस्कोप किसने डिफाइन किया था ये पूछ लेंगे आपसे या फिर ये कौन सी व्यू दिखाता है देता है तो ये क्लासिक व्यू देता है एक ट्रेडिशनल व्यू देता है ये पूछ लेंगे आपसे
इज अ सेट ऑफ एडिटेड हिमसेल्फ एंड लिंडल उर्विक. तो ये आप एडिट किसने किया था, लिंडल उर्विक ने किया था. एंड दिया किसने था, लूथर गिलिक ने दिया था, ये आपको याद रखना है. हाउएवर ही फर्स्ट प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट इन 1935. इनिशियली पोस्कोव वॉज एनविशंट इन एन एफर्ट टू डेवलप पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल इन गुलिक ओन वर्ड्स द एलिमेंट्स आर. तो ये आप याद रख लेना पूरा. एडिट किसने किया था, 1935 में कौन लेके आया था, 1937 में किसने प्रेजेंट किया था फाइनली. तो ये सब आपको याद रखना है. एंड इट रिप्रेजेंट्स पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग. तो पोस्ट को अब आपको एज इट इज याद रखना है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. लिंडन फॉरेंस उर्विक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. इन्होंने क्या कहा, 3 मार्च 1891, 5 दिसंबर 1983. इतना मत याद रखना, बस इतना याद रख लेना कि 1901 to 83, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा याद रख लेना. वॉज अ ब्रिटिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड बिजनेस थिंकर. ही इज रिकोगनाइज फॉर इंटीग्रेटिंग द आइडियाज ऑफ अर्लियर थ्योरीज लाइक हेनरी फ्योल इंटू अ कम्प्रीहेंसिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. इन्होंने दी थी आइडियाज किसके यूज किए थे, क्लासिकल थ्योरीज के यूज किए थे, दैट इज हेनरी फ्योल जी के यूज किए थे ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल बुक कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ये क्वेश्चन बना हुआ है कि किसने लिखी है बुक, एडमिनिस्ट्रेशन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिश्ड इन 1943 विद लूथर गुलिक. ही फाउंडेड द अकेडमिक जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली. तो ये आपको प्लीज याद रखनी है, दोनों ही चीजें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखेंगे लिंडल फॉरेंस उर्विक, इन्होंने क्या कहा था. ओके, इनके आगे के कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हैं. ओके, ये रिपीटेड हो गया है, सॉरी ये रिपीटेड है. लिंडल फॉरेंस उर्विक यहाँ पे भी रिपीट हो गया है, तो आपको याद रखना है. मैंने आपको बता दिया इसके अंदर आपको याद रखना है कि ही इज द मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड ही यूज द आइडिया ऑफ हेनरी फ्योल एंड ही कंपाइल द आइडिया इन टू अ बुक दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स पे काम आपके हेनरी फ्योल ने किया था, तो उनके ही आइडियाज को इन्होंने यूज किया अपनी बुक के अंदर. एंड विद द हेल्प ऑफ लूथर गुलिक इन्होंने जो एकेडमिक जर्नल पब्लिश की थी वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली. ओके, अब गैंग प्लैंक एक नीचे दिख रहा होगा आपको, इसका क्या मतलब है. ये भी हेनरी फ्योल की ही थ्योरी से ओरिजिनेटेड एक कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या है, फ्योल हैज सजेस्टेड गैंग प्लैंक विच इज यूज टू प्रिवेंट स्केलर चेन फ्रॉम ब्लॉकिंग डाउन एक्शन. तो देखिए क्या है कि स्केलर चेन देखते हैं थोड़ा सा ना. स्केलर चेन क्या था कि एक लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब एक सुपीरियर जो है ऊपर की टॉप पोजीशन पे बैठा है, एक सबॉर्डिनेट जो है नीचे की पोजीशन पे बैठा है. मतलब जो सबॉर्डिनेट है वो डायरेक्टली सुपीरियर को अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक है. तो उसको पहले एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा, वो पहले अपने हेड के पास जाएगा, अपने मैनेजर के पास जाएगा. मैनेजर जो है फिर वो अपने हेड को अप्रोच करेगा, फिर अपना हेड जो है वो उनसे ऊपर जो है उनको अप्रोच करेगा, फिर वो बात अल्टीमेटली अगर टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाने वाली है तो वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाई जाएगी. तो ये स्केलर चेन था, मतलब एक क्लियर लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अथॉरिटी थी, जो कि एक हायरार्कियल सिस्टम फॉलो हो रहा था. मींस हायरार्की मींस सबॉर्डिनेट, देन द सुपीरियर, देन उससे सुपीरियर, देन उसके सुपीरियर. तो एक पूरी चार्ट थी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा. ओके, लेकिन गैंग प्लैंक के अंदर क्या हुआ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस अगर आती हैं जो कि इमीडिएटली वी हैव टू रिपोर्ट टू द सुपीरियर, मतलब टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट जाना है हमको, तो बीच की जो हायरार्की है, बीच की जो पोजीशंस है उनको हम इलिमिनेट कर सकते हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं, उनको हम स्किप कर सकते हैं. तो यहाँ पे यही बोला गया है, फ्योल हैज सजेस्टेड गैंग प्लान विच इज यूज टू प्रिवेंट स्केलर चेन फ्रॉम ब्लॉकिंग डाउन एक्शन. की अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो ये चीज फॉलो हो सकती है, गैंग प्लैंक फॉलो हो सकता है, मतलब ऐसे क्रिस क्रॉस करके लोग अपनी जो बात है वो ऊपर तक लेके जा सकते हैं. तो दिस वॉज द थिंग गिवन बाय हेनरी फ्योल एंड दिस वॉज टू स्टॉप द ब्लॉकिंग डाउन ऑफ एक्शन. ओके, एंड दिस इज इन रिस्पेक्टिव ऑफ केलर चेन, उसके एंटीक में ये काम करता था.
तो ये सब चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें से वन वन क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, तो आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो दिस वॉज माई स्लाइड फॉर टूडे एंड नाउ वील बी स्टार्टिंग विद ब्यूरोक्रेटिक थॉट, जो कि आपके क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का लास्ट पार्ट है। उसके बाद आपका क्लासिकल खत्म हो जाएगा एंड आपका न्यू क्लासिकल स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।